हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल यस पैथोलॉजी। दोस्तों, आज के लेक्चर में हम समझते हैं ब्लड बैग यूज इन ब्लड बैंक। ब्लड बैंक में हम कौन कौन से ब्लड बैग यूज करते हैं उसके बारे में समझेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं कि जो हमारे ब्लड बैग होते हैं वो हमारे किस चीज़ का बने होते हैं। दोस्तों, ब्लड बैग हमारा क्या है? ब्लड बैग हमारा एक क्लोज सिस्टम है, जिससे क्या होता है, रिड्यूसिंग चांस होता है। इसमें हमारा रिड्यूस चांस होता है, जिससे क्या, कंटामिनेशन ना होए। हमारे ब्लड बैग जो है उसमें हम ब्लड रखें, उसका कंटामिनेशन चांस ना हो जाए, इसलिए उसके क्या है, क्लोज सिस्टम रहता है। सभी जगह से उसके क्या कहते हैं, बंद रहता है, सभी जगह से सील रहता है, जैसे कारण कंटामिनेशन का चांस नहीं हो सकता। और जो हमारे ब्लड बैग हैं, ये ब्लड बैग हमारे बने होते हैं किसके, हाई मॉलिकुलर वेट के बने होते हैं, PVC। हाई मॉलिकुलर वेट का किसका बना होता है, PVC। PVC मीन्स क्या हो गया, पॉलीविनाइल क्लोराइड। इसका फुल फॉर्म है PVC का, पॉलीविनाइल क्लोराइड। और दोस्तों, अब हम ब्लड बैग जो देखते हैं, इसमें हमारे कितने टाइप्स हमारे ब्लड बैग यूज होते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं सिंगल बैग। सिंगल बैग जो होता है 350 ml का होता है, 350 ml का होता है। जो सेकंड हमारा है डबल बैग। डबल बैग हमारा क्या होता है, इसमें दो बैग हमारे होते हैं। जो फर्स्ट बैग होता है 450 ml का, और सेकेंड जो होता है 150 ml का। दोस्तों, डबल बैग में ये मीनिंग से ही पता चल रहा है, डबल बैग में दो बैग। और ट्रिपल बैग में क्या होता है, तीन बैग होता है। सबसे पहला बैग उससे साथ अटैच होते हैं दो बैग और, तो क्या होगा, ट्रिपल बैग। इसमें क्या होता है, 450 ml का फर्स्ट बैग होता है, सेकंड जो हमारा है 150 ml का, फिर जो थर्ड है वो फिर 150 ml का। दोस्तों, क्वार्टर्ड बैग, क्वार्टर्ड बैग के अंदर होता है, इसमें चार बैग होते हैं। क्वार्टर्ड मीन्स बैग में चार बैग होते हैं। जो सबसे पहला बैग होता है 450 ml का, फिर 50 या 60 ml का होता है सेकंड वाला, उससे जो अटैच होता है 50 या 60 ml का होता है, फिर उससे जो अटैच होता है 50 या 60 ml का होता है। दोस्तों, ये हमारे ब्लड बैग होते हैं। दोस्तों, जो हमारे सिंगल बैग होते हैं उसमें सिंगल होते हैं बैग, डबल में दो बैग होते हैं, इसकी क्वांटिटी देख रहे हो इतना इतना है। ट्रिपल बैग में, क्वार्टर्ड बैग में, ये चार टाइप के हमारे ब्लड बैग होते हैं। दोस्तों, अब इसके बाद हम देखते हैं कि जो हमारे ब्लड बैग हैं उसमें कौन कौन से एंटीकाउलेंट हैं। दोस्तों, इससे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, जो ब्लड बैग हमारे होते हैं, अगर ब्लड बैग में जो सबसे पहला बैग होता है उसे बोलते हैं क्या, मदर बैग या प्राइमरी बैग। जैसे दोस्तों, मान लो कि ये बैग हो गया एक, ठीक है, ये बैग हो गया, ये फर्स्ट बैग प्राइमरी बैग हो गया, और इसके साथ ये बैग और अटैच है, फिर इसके साथ एक और अटैच है, फिर इसके साथ एक और अटैच है, एक क्या होगा, क्वार्टर्ड बैग हो गया मान लो, ठीक है। तो जो सबसे पहला वाला बैग होता है, इसे प्राइमरी बैग या प्राइमरी बैग या मदर बैग बोलते हैं, प्राइमरी बैग या मदर बैग बोलते हैं, जो सबसे पहला वाला बैग होता है। उसके बाद जो होता है, ये हमारा सेटेलाइट बैग बोलते हैं या ट्रांसफ़र बैग बोलते हैं, इसके साथ जो अटैच होते हैं उसे सेटेलाइट बैग या ट्रांसफ़र बैग। दोस्तों, अब इसमें देखते हैं जो एंटीकाउलेंट हमारे होते हैं वो कौन कौन से एंटीकाउलेंट हम यूज करते हैं, जो ब्लड बैंक में हमारे कौन कौन से ब्लड बैंक में हम यूज करते हैं एंटीकाउलेंट। सबसे पहला हमारा होता है ACD, जो हमारा क्या है, एसिड सिट्रेट डिस्ट्रोज। इसका फुल फॉर्म क्या है, एसिड सिट्रेट डिस्ट्रोज, ACD का। ये कितने दिन के लिए प्रिजर्व करता है, इसका लाइफ स्पैन ये हमारे जो ब्लड है उसको 21 डेज के लिए क्या करता है, प्रिजर्व करता है। और सेकेंड हमारा जो है सिट्रेट फॉस्फेट डिस्ट्रोज, ये हमारा क्या हो गया, CPD, इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है, CPD। CPD में क्या हो गया, सिट्रेट फॉस्फेट डिस्ट्रोज, ये 28 डेज के लिए क्या करता है, प्रिजर्व करता है। फिर थर्ड हमारा क्या, सिट्रेट फॉस्फेट डिस्ट्रोज एडिनिन, इसमें एडिनिन एड होने की वजह से, तो इस कितने दिन के लिए, 35 डेज के लिए क्या करता है, ब्लड को हमारा क्या करता है, प्रिजर्व करता है, होल ब्लड हमारे होते हैं। एडिटिव सॉल्यूशन और सैगम, जो सैगम अगर हम इसमें ऐड कर देते हैं, तो इसका सैगम का फुल फॉर्म होता है सॉर्बिटॉल एडिनिन ग्लूकोज मैनिटोल, या सॉर्बिटॉल का सेलाइन कहीं पर लिखा हुआ आपको मिलेगा, सेलाइन एडिनिन ग्लूकोज मैनिटोल, इससे कन्फ्यूजन ना हो, दोनों बोल सकते हैं, सॉर्बिटॉल बोलो या सेलाइन बोलो। तो दोस्तों, इस किसने लिए 42 डेज के लिए क्या करते हैं, हम इसको प्रिजर्व करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले देखो एसिड में जो हमारा है वो 21 डेज, 21 डेज के बाद 7 डेज एनहांस करते चले जाओ, उसका भी अगला अगला होना चला गया। इसमें इनहांस इस वाले सबसे पहले ACD यूज करते थे, उसमें क्या हुआ, बहुत कम दिन के लिए होता था, इसके लिए भी हमारा क्या करा, CPD यूज करने लगे। CPD क्या करे, 7 डेज और क्या कर दिया, उसके लाइफ को इनहांस कर दिया, वो बढ़ा दिया। ऐसे ऐसे क्या ज़रूरत पड़ी लाइफ को इनहांस करने के लिए,
ऐसे ऐसे हमारे एंटी कोवलेंट की धीरे 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 क्या हुए, खोज होते रहे, बनते रहे और लाइफ को इन्हांस करने के लिए। फिर एक होता है हिपेरिन। दोस्तों हिपेरिन होता है जो, ये हिपेरिन अगर किसी को एक्सचेंज ट्रांसप्लांट करवाना है, जैसे कि अगर किसी की सर्जरी होनी है, सर्जरी होने से पहले उसके अंदर मतलब उतना ही ब्लड उसको क्या करेंगे 24 घंटे के अंदर क्या करें उसे ट्रांसफ्यूज करना है, तो सर्जरी के पहले ही क्या करेंगे उसके ब्लड को क्या करेंगे निकाल लेंगे, उसे डोनेट करने के बाद उसका भी अपना बैग रख लेंगे, उसके बाद उसे सर्जरी होने के बाद 24 घंटे के अंदर ही उसे क्या करेंगे हम ट्रांसफ्यूज कर देंगे। तो हमारा क्या हिपेरिन वाले हमें हिपेरिन एंटीकाउलेंट में लेते हैं। और ये तो बच्चे जो होते हैं न्यूनेटल से और बच्चे और इन्फेंट बच्चे होते हैं जो, उनमें हम क्या करते हैं हिपेरिन में लेते हैं। जैसे क्या होता है न्यूनेट्स में हिपेरिन में इसलिए लेते हैं, जैसे उनका क्या होता है जो लीवर होता है वो मेटाबोलाइज नहीं कर पाता जो हमारे इसमें एंटीकाउलेंट हैं, जो हमारे सीपीडी सिट्रेट और ये सब है ना, सिट्रेट फॉस्फेट ये सब क्या है ये उसको क्या करता है मेटाबोलाइज नहीं कर पाता, इसीलिए क्या हिपेरिन यूज करते हैं न्यूनेटल इन्फेंट में। अब आ गया इसके फंक्शन, हम देखते हैं दोस्तों फंक्शन समझने से पहले हम ये समझते हैं कि जो हमारे एंटी का ब्लड बैग था, ब्लड बैग में कितने अमाउंट में हमारा क्या एक ब्लड बैग में कितने अमाउंट में हमारे क्या होते हैं। तो सबसे पहले हमारे क्या होता है एसीडी, जो एसीडी हमारा होता है एसीडी बोले तो एसीडी जो होता है वो 100 ml में 15 ml एंटी कोवलेंट हम यूज करते हैं। एसीडी कितना यूज करते हैं एसीडी, अगर एसीडी हम एंटी कोवलेंट यूज कर रहे हैं तो हमारे 100 ml में हम 15 ml एंटी कोवलेंट यूज करेंगे। अगर 100 ml हमारा ब्लड है तो उसमें कितना होगा 15 ml हमारा क्या होगा एसीडी होगा, और 15 हो गया तो इसके बाद कितना हो गया ये 52.5 ml हम यूज करते हैं एसीडी 350 ml में बैग में। अब सेकंड आ गया सीपीडी, सीपीडी अगर यूज कर रहे हैं तो हम 100 ml में कितने यूज करते हैं 14 ml, अगर 100 ml हमारा ब्लड है तो उसमें हमारे 14 ml क्या हो गया एडीटी सॉल्यूशन बोला एंटी कोवलेंट होगा सीपीडी का। अगर ऐसे फिर क्या हो गया 63 ml हम यूज करेंगे 450 वाले बैग में होगा, और अगर हम सीपीडी यूज कर रहे हैं 350 ml में तो 49 ml का होगा 350 ml में। अब दोस्तों अगर सीपीडी हमें सीपीडी यूज कर रहे हैं उसका भी यही है, अगर हमारा 450 ml वाला अगर बैग है तो 49 ml हम यूज करेंगे पूरा 350 बैग में, और अगर 450 ml वाला बैग है तो हमारा 63 ml हम यूज करते हैं। अब दोस्तों देखते हैं फंक्शन, जो हमारे एंटी कोवलेंट हम यूज कर रहे हैं उसके फंक्शन क्या क्या है। दोस्तों फंक्शन में क्या हो गया सिट्रेट जो हमारा होता है वो सिट्रेट क्या करता है वो हमारे जो कोवलेशन प्रिवेंट कोवलेशन क्या करता है प्रिवेंट करता है, क्यों करता है कि बाई चिलेटिंग एजेंट होता है इसमें कैल्शियम के द्वारा क्या करता है वो बाइंड करके उसे क्लॉट होने से प्रिवेंट करता है। अब अगर डेस्ट्रोज क्या होता है सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ब्लड कंपोनेंट, यह क्या करता है ये एनर्जी को क्या करता है, ये एनर्जी का एक सोर्स है किसको आरबीसी को, आरबीसी का एक हमारा डेस्ट्रोज क्या है आरबीसी का एक मेन सोर्स है जो इसको क्या करता है टू कीप देम लाइव, इसको क्या करता है लाइव रखता है टू कीप देम लाइव। इसके बाद हम देखते हैं फॉस्फेट क्या होता है, ये फॉस्फेट हमारे जो प्रिवेंट फॉल इन पीएच को क्या करता है गिरने से बचाता है, मतलब फील ना पीएच को बढ़ने देगा ना घटने देगा, पीएच को क्या करेगा मेंटेन करेगा इन ब्लड। और ब्लड का जो पीएच होता है 7.35 से लेकर के कितना होता है 3.57 से लेकर के 7.5 तक होता है 7.45 इतना होता है हमारा क्या पीएच ब्लड का। एडिनिन क्या होता है अगर दोस्तों पहले एक बात समझ लो, और अगर पीएच इससे बढ़ रहा है तो हमारा क्या हो जाएगा एल्कलोसिस हो जाएगा, और घट रहा है एसिडोसिस हो जाएगा, इससे क्या हो गया हमारी जो है सेल्स हमारे क्या हो गए डैमेज हो जाएंगे हीमोलाइज हो जाएगा। एडिनिन क्या हो गया एडिनिन सिंथेसिस करके क्या करता है इंक्रीज लेवल ऑफ एटीपी को क्या करता है प्रोवाइड करवाता है। जैसे अगर हमारा डेस्ट्रोज अगर खत्म हो गया एनर्जी का अगर नहीं दे पा रहा है तो क्या एडिनिन दे प्रोवाइड करेगा सिंथेसिस ऑफ एटीपी को प्रोवाइड करेगा, जिससे क्या होगा इंक्रीज लेवल ऑफ एटीपी प्रोड्यूस होगा सिंथेसाइज होगा। दोस्तों
आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, अगर नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछे।